अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो है फर्टिलाइजेशन प्लांट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था पोलिनेशन प्लांट्स। पोलिनेशन हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स फ्लावर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। फिर उसके बाद क्या चीजें आती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, कि जब स्पर्म और एग दोनों आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, जब मिलाप होता है, इस मिलाप को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये कैसे होता है? एक जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन क्या है, एक सेल की तरह, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर क्या है? उसके अंदर दो तरह के न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है। उन दो तरह के न्यूक्लाई में से एक जो न्यूक्लियस है वो बनाता है पोलन ग्रेन। दूसरा न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है इससे दो तरह के स्पर्म ग्रेन होते हैं, स्पर्म सेल बनते हैं। वो जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसका काम क्या है कि यही पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा तो स्टिग्मा ऊपर है, इन स्पर्म ने जाके फ्यूज करना है एग के साथ वो ओव्यूल के अंदर। तो यहां से इन स्पर्म ने इधर तक क्या करना है, जर्नी करना है, यहां तक आना है। तो पोलन ये ट्यूब यूज करेगा, ये ट्यूब बनाएगा जो कि स्टिग्मा से स्टाइल से होती है गौरी से, ओवरी से ये ओव्यूल तक स्पर्म को पहुंचा देगा। स्पर्म जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पर उनकी फ्यूजन हो गया, क्योंकि दो स्पर्म है आगे फ्यूजन भी दो होंगे। एक जो फ्यूजन होगी स्पर्म की वो होगी एग के साथ और इससे बनेगा जायगोट। दूसरे स्पर्म की एक और सेल के साथ फ्यूजन होगी, उसका नाम है फ्यूजन न्यूक्लियस। उनसे वो जब मिलेंगे तो उससे बनेगा स्टोर ऑफ फूड, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मेशन, एंडोस्पर्मेशन। ये क्या काम करता है? इसमें फूड स्टोर होती है और बाद में आगे जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो उसके लिए वो इसको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो है और ये जो स्टोर ऑफ फूड है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, ठीक है। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद क्या क्या चेंजेस आती है वो देखें। हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये सारा कुछ फ्लावर के ऊपर हो रहा है। तो जैसे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो जो सैंपल है, पेटल जो स्टेमन जो है उनका काम होता है, वो ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, ड्राई हो जाती है, वो गिर जाते हैं, फायर ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सैंपल का काम फिर प्रोडक्ट करना था बड़े कंडीशन में, और जो पेटल्स हैं इसने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना था, ये पोलिनेशन का काम था। और जो स्टेमन थे इसका काम क्या था, मेल गैमेट्स को पैदा करना और उसको ट्रांसफर करवाना। जब पोलन ग्रेन चले गए, फ्यूजन हो गई, उसके बाद स्टेमन का काम था। दूसरा चेंज क्या आता है, वो जो एग है जिसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ है, वो फर्टिलाइज एग चेंज होता है एम्ब्रियो के अंदर। ओव्यूल जो है वो तब्दील हो जाता है सीड में, ओव्यूल की दीवार सीड की दीवार सीड कोट उससे तब्दील हो जाता है। और जो ओवरी है ये डेवलप करने के बाद ये तब्दील हो जाती है फ्रूट के अंदर, ठीक है। फ्रूट के अंदर फ्रूट का काम क्या है, फ्रूट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आपने जितने भी देखे जा रहे हमारे जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर बीज होते हैं, अंदर बीज के होते हैं, फ्रूट उसको प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, इससे बन गया सीड। अब सीड की क्या स्ट्रक्चर है वो भी देखते हैं। एक जो सीड है उसके दो पार्ट, एक तो है एम्ब्रियो, दूसरा स्टोर फ्रूट। स्टोर फूड यहां पर सीड मैंने एग्जांपल दिया, इसके स्टोर फूड को हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है, ये वो नन्हा सा पौधा है जिसने बाद में डेवलप करनी है, ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ करने के बाद इसने कन्वर्ट हो जाना है एक नए पौधे के अंदर। एक एम्ब्रियो जो है इसके कौन कौन से पार्ट है, एक है रेडिकल और एक है प्रोम्यूल। रेडिकल वो पार्ट है जो सबसे पहले रूट्स में कन्वर्ट होता है, ग्रो करता है। जब हम बीज को बोते हैं जमीन के अंदर तो सबसे पहले उसके जो रेडिकल है उससे जड़ें निकलती हैं, वो जड़ें जब नीचे जमीन में फैल जाएगी उसके बाद ऊपर वाला जो प्रोम्यूल वाला हिस्सा है उससे ब्रांचें निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे। तीसरा काम है कोटिलीडन। कोटिलीडन जो है इसमें वो फूड स्टोर होगी जो इस एम्ब्रियो के मैच्योर होने तक, जब तक पौधा मैच्योर नहीं होता तब तक वो फूड स्टोर
फूड प्रोवाइड करें, क्योंकि पौधे ने उगते ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करे, वो जब तक अपने बॉम में खा लेता, मतलब कह देते हैं उसके पत्ते डेवलप नहीं होते तब तक वो स्टोर फूड को ही यूज करता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये सीड कोड है, इसका सीड कोड इसको सीड को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वो है फ्रूट। फ्रूट जो है इसके दूसरा नाम होता है राइपेन ओवरी, कि ओवरी जब डेवलप होती है तो उससे फ्रूट बनता है। ठीक है, यहां पर मैंने फ्रूट की एग्जांपल दी है, जो ये पीच है, आलू का ये फ्रूट है, इसके आप देख रहे इसके जो ना वो कौन कौन से पार्ट्स है, तीन पार्ट्स है। एक तो बात सीड है, फ्लैश है, फिर आगे सीड है। लेकिन ज्यादातर फ्रूट्स है इसमें क्या होता है कि जो ओवरी है ना, ये ओवरी जब डेवलप करती है तो इसकी ओवरी की जो वॉल है ये बन जाती है फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल को दूसरा नाम है पेरिकार्प। अब पेरिकार्प की तीन लेयर होती है। अब यहां पर क्या है, पेरिकार्प की तीन लेयर, एक बाहर वाली स्किन, एक अंदर वाला एक व्हाइट पार्ट जो मैंने दिखाया है, ये फ्लैश है जिसको हम आम तौर खाते हैं। ठीक है, और एक इनर पार्ट है, इनर लेयर जो इसमें इसमें हार्ड और टफ है, फिर इनर लेयर के अंदर स्किन है। तो ये जो इनर लेयर है, फ्लैश है और स्किन है, ये तीनों क्या है, पेरिकार्प के पार्ट्स है, ये इसमें बाकी फ्रूट्स में होता रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बादाम के घर बनू तो उसमें जो उसके फ्लैश वाला हिस्सा नहीं होता, उसमें से नट ही होता है, वो नट ही उसका क्या है, पेरिकार्प। ठीक है, इसी तरह बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें फ्रूट्स की जो स्किन है वो होता ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।